ऑल व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ रिमांड. बेसिकली हम सब लोग स्टेट की प्रोटेक्शन में रहते हैं, स्टेट हमें प्रोटेक्ट करती है बाहर के किसी भी आक्रमण से, किसी भी तरह की परेशानी से, कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस हो, एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस हो एंड ऑल दैट. ये प्रोटेक्शन देने के लिए दे यूज एजेंसी कॉल्ड पुलिस. दिस पुलिस यूजेज वेरियस काइंड ऑफ टैक्टिक्स एंड वेरियस काइंड ऑफ प्रोसीजर्स टू मेक श्योर दैट वी आर सेफ एंड नोबडी डिस्टर्ब्स अस. बट समटाइम्स वी आर अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस and that offense being criminal is considered to be an offense committed against the society, against the state, and that is why we are prosecuted for it. Now abhi tak to hum doshi nahi the, nirdosh the, innocent the. ekdam se hamare upar ek accusation uthi and police ke upar zimmedari aa gayi ki investigate kiya jaye ki humne aisa koi karm kand kiya hai ya nahi kiya hai. uske liye unko hame custody mein lena hota hai aur hamari liberty humse chheenni hoti hai, and that is why पुलिस कम्स टू द कोर्ट विच इज वन ऑफ द पार्ट्स, वन ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. एंड कोर्ट एक ऐसा ऑर्गन है जिसके ऊपर लॉ बहुत विश्वास करता है बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ कॉम्पिटेंस दैट द ऑफिसर सिटिंग देयर कैरीज, द काइंड ऑफ यू नो डेजिग्नेशन इट इज, एंड यू नो द काइंड ऑफ ट्रेनिंग यू हैव टू गो थ्रू टू सिट ऑन दैट चेयर. ही इज समबडी हु इज ट्रस्टेड, हु इज ट्रस्टेड विद योर कस्टडी. And he is working in a court which is an open court in front of everybody. 327 CRPC, हम सब लोगों को पता है. So this court, according to the law, is required to give or to reject an application by the police when they ask for you to be kept in their custody for investigation. Now this happens under section 167 CRPC. जहां पे अगर आपकी इन्वेस्टिगेशन में 24 घंटे से ज्यादा लगेंगे, 24 घंटे तक आप रख लीजिए, हो सकता है आपको घर से उठाना है, किसी शहर से दूसरे शहर में लेके आना है, उतनी इजाजत दी जाती है. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 56-57 आप मैक्सिमम 24 आवर्स तक बिना एक मैजिस्ट्रेट को इन्फॉर्मेशन दिए किसी को अपनी कस्टडी में रख सकते हैं एज अ पुलिस ऑफिसर. उसके बाद आपको मैजिस्ट्रेट के पास जाना होगा और उनसे परमिशन लेनी होगी कि सर मैं इसको कस्टडी में रखना चाहता हूं और इसमें इन्वेस्टिगेशन करना चाहता हूं, आप मुझे इनकी कस्टडी, पुलिस कस्टडी दे दीजिए. नॉट जेल कस्टडी, नॉट जुडिशियल कस्टडी, जो जेल में होती है, स्टेट जेल में जहां सर्विलांस होती है, कैमरे होते हैं. पुलिस स्टेशन में कोई कैमरा नहीं है, पुलिस आपको वहां ले जाना चाहती है क्योंकि वहीं पे सच निकल के आता है, जिस भी तरीके से निकल के आता है. तो उस चीज के लिए मैजिस्ट्रेट के सामने खड़े होकर पुलिस एक एप्लीकेशन लगा के आपकी कस्टडी मांगती है, और ये ऑर्डर जब दे दिया जाता है तो इसे ही कहते हैं द ऑर्डर ऑफ रिमांड. आपको रिमांड कर दिया गया, आप कस्टडी में लिए गए पुलिस की. पुलिस आपको कोर्ट के सामने पेश कर देती है कि सर आप अब देख लीजिए आपको क्या आदेश करना है और आप बताइए अब कहाँ जाएंगे. एंड कोर्ट कहती है इनको वापस आप अपने साथ ले जाओ और इन्वेस्टिगेशन करो. ये होते हैं रिमांड ऑर्डर्स, किसी को वापस भेज देना किसी जगह पे. ये 167 में होता है. नाउ सेक्शन 167 सीआरपीसी में था, नाउ सेक्शन 167 हैज बीन मॉडिफाइड. Now, what are the modifications that have been introduced in section 167 of the erstwhile CRPC? Teen main cheeze iske andar change kari gayi hain. Pehla, when the magistrate decides what kind of custody has to be granted, whether it is police or judicial custody, he has to take into consideration one point, which is whether a bail application of that accused has been cancelled or whether his bail was rejected. या तो reject कर दी गई application bail की, या फिर bail देने के बाद bail cancel कर दी गई. ये आपको consider करना है. दूसरा, पहले 15 दिन के लिए ही आपको पुलिस कस्टडी दी जा सकती थी, पहले 15 दिन में ही, एंड उसके बाद 90 डेज तक आपके पास इन्वेस्टिगेशन करने का टाइम था. अब वो टाइम बढ़ा दिया गया है, जो पुलिस कस्टडी में स्विच किया जा सकता है जुडिशियल कस्टडी एंड पुलिस कस्टडी में, वो पहले 15 दिन था, अब वो 90 डेज वाली इन्वेस्टिगेशन में 60 डेज हो चुका है और 60 डेज वाली में 40 डेज हो चुका है. तो पुलिस कैन आस्क मैजिस्ट्रेट की सर कुछ दिन और ये कुछ दिन कब तक चल सकते हैं, 60 डेज इन केस ऑफ 90 डेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन and 40 days in case of 60 days of investigation. Third thing is that ab 10 years wala case jo hai usme bhi 90 days milenge investigation karne ke liye. Earlier 10 years wale case pe there was no clear guideline in the Bail Act, and hence there was a case Rajiv Chaudhary naam se, jisme ye bataya gaya ki 10 years
से पनिशेबल जो केस होगा वो 60 डेज इन्वेस्टिगेशन के एम्बिट में आएगा। एंड लास्ट ये क्लैरिफाई किया गया है इन द न्यू 167 दैट द पुलिस ऑफिसर्स कैन ओनली कीप अ पर्सन इन कस्टडी इन अ प्लेस इन अ फैसिलिटी विच इज स्टिप्यूलेटेड और एंडोर्स्ड बाय द स्टेट। दे के नॉट कीप देम एनी वेयर दे वॉन्ट। प्रोविजन एज टू रिमांड, फर्स्ट ऑफ ऑल वॉट इज